नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, बिल्कुल इजी है। एक्स टाउ को भी हमारे पास फर्स्ट एक्जम स्पेस गिवन है, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देर इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि हर एक एक्स के लिए हमें क्या मिलेगी, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के जो मेम्बर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एक्स के नेबरहुड्स होंगे, विच बिकम ए बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। यानी कि देखो मैं बताती हूँ, ये कह रहा है कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स का कोई मेंबर है, ठीक है, उसका जो भी नेबरहुड सिस्टम होगा ना, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी जो इसका क्या बनाएगी, एक बेस बनाएगी, ठीक है। तो देखो लेट एक्स बी ए फर्स्ट एक्जम स्पेस और लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स देन देयर इज ए, तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट एक्जम स्पेस है तो एक्स के हर एक एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए क्या होगा, काउंटेबल बेस होगा। तो मैंने मान लिया इसके नेबरहुड सिस्टम के लिए क्या हमारा काउंटेबल बेस है, जिसका नाम है बी एन, एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, काउंटेबल है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख पाई, अगर मेरे पास अनकाउंटेबल होता तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख पाती, ठीक है। अब देखो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अब हमें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढ के दिखानी है ना जो इसके लिए बेस बनाए, तो सबसे पहले मैं एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को प्रूव करके दिखाऊंगी। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये था काउंटेबल बेस था इसका एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी की हेल्प से मैंने ए वन बना लिया, ए एन क्या कर लिया मैंने, बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन अप टू बी एन है, तो ए एन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन ए वन तो हो जाएगा बी वन, ए टू कितना हो जाएगा, ए टू हो जाएगा बी वन इंटरसेक्शन बी टू, ए थ्री कितना हो जाएगा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री, और लास्ट में ए एन क्या हो जाएगा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री इंटरसेक्शन अप टू बी एन। अब हमें पता अगर ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो इंटरसेक्शन बी ए में भी जाते हैं बी में भी, तो बी वन इंटरसेक्शन बी टू है जो हमारी, वो बी वन में भी जाएगी और बी टू में भी, इसका नाम है ए टू, इसका नाम है ए वन, इसी तरह इसमें ए थ्री जाएगी, इसी तरह इसमें ए फोर जाएगी। तो यानी कि हमें क्या मिल गई, एक हमारे पास सीक्वेंस मिल गई, क्लियरली हमें एक सीक्वेंस मिल गई, ए वन ए टू को कंटेन करवा रहा है, ए टू ए थ्री को करवा रहा है, प्लस सो एन, यानी ए एन इज कंटेन करवा रहे हैं ए एन प्लस वन को, सिंस हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और हमें पता है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड, ये बी वन भी एक्स की नेबरहुड है, बी टू भी नेबरहुड है, बी एन भी नेबरहुड है, ठीक है, और जो ये नेबरहुड हमें पता है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड सी जगह ने नेबरहुड, सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड सी जगह ने नेबरहुड, देयर फोर ए आई क्या बन गया हमारे पास, नेबरहुड बन गया। देखो हमारे पास क्या था, काउंटेबल बेस था नेबरहुड सिस्टम के लिए, तो मैंने इनकी इंटरसेक्शन ली थी, हमें पता है नेबरहुड सिस्टम के लिए हमारे पास ये बेस बना है, नेबरहुड सिस्टम के लिए बेस बना है, तो यानी कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस थी वो एन एक्स का क्या था, सबसेट था, ठीक है, यानी सारे मेंबर एन एक्स में थे। तो देखो ये भी नेबरहुड सिस्टम, ये भी नेबरहुड सिस्टम, ये भी, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन और नेबरहुड सिस्टम अगेन नेबरहुड, यानी कि ए वन भी नेबरहुड बन गई, ए टू भी नेबरहुड बन गई, ए एन भी नेबरहुड बन गई, ये सारे क्या बन गए, नेबरहुड बन गए, ठीक है। ए आई इज नेबरहुड ऑफ एक्स फॉर ऑल आई बिलोंग फॉर ऑल आई, तो हमारे पास सारे नेबरहुड बन गए। एन एक्स में तो क्या थी, एन एक्स में तो एक्स की सारे की सारी नेबरहुड थी, यानी कि ये पूरी की पूरी, ए वन भी एन एक्स में चला गया, ए टू भी एन एक्स में चला गया, ए थ्री भी एन एक्स में चला गया, क्यों, क्योंकि वो तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है नेबरहुड की, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली एन एक्स में चली गई, यानी कि हमने क्या दिखा दिया, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखा दी, ठीक है, जो हमारे पास एक्स की नेबरहुड है। ओके नेक्स्ट, अब देखो अब तुम सोच रहे हो कि मैडम हमने ऐसा क्यों दिखाया कि एन वैल्यू फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज कंटेनिंग एन एक्स, क्योंकि बच्चे हमें इसको बेस दिखाना है ना, इसका बेस दिखाने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि उसको हम सब फैमिली प्रूव करके दिखाएं जिसको बेस दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें शो करके दिखाना है बेस बनाएगा, तो अगर मुझे बीटा को टाओ का बेस बनाना है, तो टाओ का मैं एक एलिमेंट सेट लेके चलती हूँ, एक एलिमेंट लेके चलती हूँ, और उनके बीच में किसका दिखा देती हूँ, बीटा का मेंबर दिखा पाऊँ तो बीटा बेस बन जाता है। तो इसके लिए देखो मैंने डब्ल्यू एन एक्स का ले लिया, सिंस बीटा एक्स तो क्या था, बेस था एन एक्स के लिए, तो पक्का बीटा एक्स अगर बेस था तो एन एक्स के लिए क्या रहेगा, एन एक्स के मेंबर के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करता होगा, किसके अंदर, बीटा एक्स के अंदर एक मेंबर एग्जिस्ट करता होगा, सच दैट वो किसके अंदर कंटेन करे, डब्ल्यू के अंदर कंटेन करे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, नाउ ए एन नोट हमारे पास क्या है, ए एन नोट देखो ए वन क्या था, ए वन था हमारा, ए टू क्या था, बी वन इंटरसेक्शन बी टू,
ए नोट क्या, ए थ्री क्या था, बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री था, तो यहाँ से जो ए एन नोट आएगा, ए एन नोट क्या रहेगा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री इंटरसेक्शन अप टू बी एन नोट तक आएगा, ये लिखा है। और हर एक की इंटरसेक्शन बी वन में भी, ये बी वन में भी जाएगी, ये बी टू में भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बी एन नोट में भी जाएगी, ठीक है। इन पर्टिकुलर ए एन नोट किस में चला गया, बी एन नोट में चला गया, और बी एन नोट किस में था, डब्ल्यू में कंटेन करा था। तो मैंने क्या दिखा दिया, मैंने ये दिखा दिया कि एनएक्स के मेंबर के लिए, एनएक्स के नेबरहुड के मेंबर के लिए इस फैमिली का, जिसको मैं बेस प्रूव करना चाहती हूँ, इसका एक मेंबर दिखा दे जो इसके अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब एनएक्स के लिए ये क्या बन गया, बेस बन गया। देखो बिटेक्स की हेल्प से तो मैंने ये ऐसा दिखा दिया, लेकिन इसकी जो हमने डिनोट किया था उसकी हेल्प से मैंने बीटा एन नोट, बी एन नोट के अंदर क्या दिखा दिया, ए एन नोट दिखा दिया इस लाइन से। ये लाइन समझ में आ गई होगी, ए एन नोट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और हर एक की इंटरसेक्शन अपने बी वन में भी जाएगी, बी टू में जाएगी, तो कहीं ना कहीं बी एन नोट में भी जाएगी। तो ए एन नोट था जो, वो कंटेन कर गया बी एन नोट, बी एन नोट डब्ल्यू में था, तो यहाँ से ए एन नोट डब्ल्यू में आ गया, यानी डब्ल्यू किसका मेंबर था, एन एक्स, एन एक्स के मेंबर मेंबर के लिए मैंने है ना इस फैमिली का एक मेंबर ढूंढ के दिखा दिया जो इसमें कंटेन करता है। ये फैमिली इसके लिए क्या बन जाएगी, इस एन एक्स के लिए बेस बन जाएगी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, जो ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो फैमिली है वो एन एक्स के लिए क्या बना दे, बेस बना दे, यही हमें प्रूव करना था।